हेलो, वेलकम टू माय मॉम्स बेक जोन। और आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ, तो आज मैं गणपति के लिए बहुत ही स्पेशल केक सिखाने वाली हूँ, मोदक के। तो आज हम बनाएंगे रसमलाई मोदक के। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे आज का तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। स्पॉन्ज बनाया है और इसके मैं 3 लेयर्स में इसे मैं कट करने वाली हूँ। तो ये मेरा अराउंड जो है 300 ग्राम का वनीला स्पॉन्ज है। तो फर्स्ट मैं लेयरिंग कर लूँगी। सो ये मैंने ये मोल्ड में बनाया है वनीला केक। और आप जो है ये स्पॉन्ज जो है नॉर्मल राउंड शेप में बना सकते हैं, फिर इसको आपके घर में जो भी कंटेनर है, एक बिगर साइज, उससे छोटा साइज और उससे छोटा साइज, उसके हिसाब से जो है आप ये एक जो है डोम शेप का आप रेडी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जो है लेयरिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है, मेरे पास डॉल केक का मोल्ड है तो मैंने उससे बनाया है। तो मैंने ये 3 लेयर्स में कट कर लिया है। ये अभी टाइम भी नहीं है और मेरा क्लास चल रहा है बेसिकली, तो आई थॉट कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो बोल को स्टिक कर लेंगे हम, तो जो है ये केक जो है मूव नहीं होगा। ये मैंने जो है थोड़ा सा जो बॉटम लेयर है वो थोड़ा सा मैं थिक जो है वो कट करती हूँ, ताकि जो है वो आपका केक जो है थोड़ा फेस के लिए स्ट्रांग रहता है। और मैंने ये जो है लिया है रस मलाई मिल्क, इसमें केसर, मैंने जो केसर है वो मिल्क में ऐड करके तब डाला है। आप चाहे तो केसर एसेंस डालिए, थोड़ा सा लाइट येलो कलर आप डाल सकते हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई केक। आप चाहे तो गुलाब जामुन केक बना सकते हैं, आपको जो भी फ्लेवर पसंद है। तो बेस गुलाब जामुन डाल सकते हैं, आप लड्डू डाल सकते हैं, बर्फी, जो भी आपके यहाँ आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो मैंने ये जो मिल्क से इसको अच्छे से सोक कर लेना है, ताकि जब आप खाएंगे तो केक जो है बिल्कुल मॉइस्ट रहेगा। इसमें जो क्रीम है, इसमें मैंने क्रीम में जो है केसर के एसेंस डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है लाइट जो है येलो कलर डाला है। तो अब मैं जो है इसको इसके साथ थोड़ा सा फिल करूँगी। आप यदि ये बैग से बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपके लिए आइसिंग के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। और बेसिकली स्पेशली आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये रसगुल्ला है। रसगुल्ला जो है आप ऐसे थोड़ा सा हल्का सा स्क्वीज कर लीजिए और फिर छोटा सा इसको क्रम करके आप इसमें डाल दीजिए। यहाँ मैंने थोड़े से पिस्ताशोज कट किए हैं और आमंड्स भी आप डाल सकते हैं बीच में। कई लोग जो है ये इसका क्रश भी यूज़ करते हैं, पर देयर इज़ नो नीड क्रश यूज़ करने, क्योंकि आप रसमलाई मिल्क डाल रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो है इसके साथ इसकी सेकंड लेयर सेट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेकंड लेयर एडजस्ट कर लिया और मैं पहले जो है ये गैप्स फिल कर लूँ। गैप्स पहले आप फिल कर लीजिए, ताकि जो है आपका केक जो है जब आप सोक करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बना रहे हैं तो आप कम से कम 4 या 5 लेयर्स में, तो इसमें क्या होता है सारे फ्लेवर्स आपके जो है वो केक के ऊपर अच्छे से आपके टेस्ट में आएंगे। तो दिस इज अराउंड 300 ग्राम्स, तो मैंने इसकी जो है 3 लेयर्स की है। काफी पॉपुलर है इंडियन डेजर्ट्स में, तो आप इस गणपति भी ये ट्राई कीजिए। आई नो जो महाराष्ट्र के हैं उनको तो पता ही होगा ये सब, बट
बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अभी मेरी ये जो है थर्ड लेयर है, तो थर्ड लेयर बेसिकली क्या होता है, ऊपर से थोड़ी स्मूथ होती है, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ थोड़ा इसको स्पॉन्ज को इसके जो ऑपोजिट साइड है उससे सोक कर लेती हूँ वेरी लिटिल, ताकि वो कहीं भी जो है ड्राई ना रह जाए। एंड देन आई एम गोइंग टू पुट दिस स्पॉन्ज ऑन टॉप एंड लेट। या कुछ भी आप एकदम पॉइंटेड कोई नाइफ है तो उससे आप जो है ऐसे सिंपल लाइन दे सकते हैं। और आप तो बस इसमें जो है पिस्ताशोज हैं ये डाल दीजिए। और ये गोल्ड लीफ है, आप चाहे सिल्वर लीफ भी यूज कर सकते हैं। आप जो है ये ऐसे रोज पेटल से आप इसको एंड आई विल डेकोरेट विद लिटिल दिस फ्लावर्स एट प्रेजेंट आई डोंट हैव अदर फ्लावर्स, तो मैं जो है इसमें थोड़ा सा ये जो है डेकोरेशन के लिए ये लगा दें। हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन।